तो देखो यार, रिपब्लिक डे पर जो हुआ वो गलत था, बट हम उसकी बात ज्यादा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उसके बाद के इवेंट्स की, जो गंद मचाया है लेफ्ट और राइट ने। कुछ बातें स्टार्टिंग में ही क्लियर कर लेते हैं। इंडियन फ्लैग से ऊपर कोई फ्लैग नहीं। वॉयलेंस इज बैड एंड इट्स नॉट टॉलरेबल एट ऑल, एंड नेशन फर्स्ट ऑलवेज। जय जवान जय किसान का नारा था, और हम क्या देख रहे हैं? हम तो यही सोच रहे थे कि दो रैलियां निकलेंगी इस बार रिपब्लिक डे पर, एक राजपथ पर और एक ट्रैक्टर रैली, और रिपब्लिक डे पर हम अपनी डेमोक्रेसी की एक मिसाल कायम करेंगे। पर कर दिया बेड़ा गर्क। अब बात करते हैं इसके बाद के इवेंट्स की। इसके बाद जो इंटरनेट पे चला वो ज्यादा डेंजरस था। जो गंद मचाया लेफ्ट और राइट ने, मतलब पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो गई है ना आजकल। पहले आए राइटिस्ट, देख ले भाई अपने किसानों को, लाल किले पर झंडा लगा दिया खालिस्तान का, पुलिस को भी मारा, टेररिस्ट कहीं के। और फिर राइटिस्ट आकर लेफ्टिस्ट बोलते हैं, अरे भाई धार्मिक झंडा था वो, गवर्नमेंट की चाल है मूवमेंट खराब करने की। ले मोदी जी के साथ देख लो उस बंदे को। पता है बात क्या है? बात ये है कि तुम लोगों को बस एक साइड की स्टोरी पता है, एंड दूसरी साइड वाले तो मूर्ख है तुम्हारे लिए। लेफ्टिस्ट के हिसाब से कुछ ज्यादा गलत नहीं हुआ, एंड राइटिस्ट के हिसाब से गोली मार देनी चाहिए थी उनको। सबके पास अपनी एक वीडियो और सबका अपना एक ओपिनियन। तो ये था एक एग्जाम्पल लेफ्ट और राइट का। एंड जो कुछ भी आजकल चल रहा है वो घूम फिर कर लेफ्ट और राइट पे ही आ जाता है। तो है क्या ये लेफ्ट और राइट? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो चलो थोड़ा इतिहास में चलते हैं कि आखिर शुरू कहाँ से हुआ ये। 18th सेंचुरी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रॉयल फैमिली रूल करती थी। तो कुछ लोग फेवर में थे रॉयल फैमिली के, एंड कुछ लोग चेंज चाहते थे, मतलब डेमोक्रेसी चाहते थे। तो उनकी असेंबली की जो सिटिंग अरेंजमेंट थी वो कुछ ऐसी थी कि जो लोग सपोर्ट में थे रॉयल फैमिली के वो राइट साइड में बैठते थे, एंड जो लोग चेंज चाहते थे वो लेफ्ट साइड में। तो वहीं से स्टार्ट हुआ ये लेफ्ट और राइट। तो जो राइट साइड वाले थे वो हो गए राइटिस्ट, एंड उसके अंदर जो कैटेगरी के लोग थे वो थे कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनलिस्ट एंड रिलीजन को प्रायोरिटी देने वाले लोग। ये लोग चाहते थे कि रॉयल फैमिली रूल करते रहे और चेंज की कोई जरूरत है नहीं। अब जो लेफ्ट साइड वाले थे वो हो गए लेफ्टिस्ट, एंड उसके अंदर जो कैटेगरी के लोग थे वो थे लिबरल्स। ये लोग चाहते थे चेंज, ये लोग चाहते थे इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, प्रेस, सेक्युलरिज्म, मतलब बेसिकली खुले विचारे वाले लोग। एंड जो राइट साइड वाले थे वो थोड़े से ऑर्थोडॉक्स टाइप के हो गए। तो वहां से चलता चलता अब आ गया 21st सेंचुरी, एंड डेफिनेशन पूरी तरह चेंज हो गई लेफ्ट और राइट की। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर बीजेपी को कंसिडर कर लेते हैं राइटिस्ट पार्टी, एंड कुछ अपोजिशन वाले हो गए लेफ्ट। एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करा है, किसी और का ओपिनियन अलग हो सकता है, इसलिए स्टार्टिंग में ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। एंड अब मैं गैस करूंगा, एंड आप लोग बताना कि ठीक है या नहीं। जो राइटिस्ट होगा वो मोदी सपोर्टर होगा, योगी आदित्यनाथ उसके नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसके लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। मतलब अगर सुधीर चौधरी आपका फेवरेट जर्नलिस्ट है तो राइटिस्ट हो आप, अगर JNU आपके लिए टुकड़े टुकड़े गैंग है तो राइटिस्ट हो आप, एंड दूसरी कैटेगरी वाले आपके लिए हो गए लिब्रांडू। अब जो लेफ्टिस्ट होगा वो मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा, उसके लिए गवर्नमेंट एकदम बकवास है, दे आर विद JNU, एंड उनके हिसाब से बीजेपी ही दंगा करवाती है। मतलब अगर रवीश कुमार आपका फेवरेट जर्नलिस्ट है तो लेफ्टिस्ट हो आप, अगर ध्रुव राठी को फॉलो करते हो तो लेफ्टिस्ट हो आप, एंड दूसरी कैटेगरी वाले आपके लिए हो गए अंधभक्त। अब मैं बताऊं, ज्यादा लेफ्ट और ज्यादा राइट दोनों ही गलत है, यू शुड बी इन सेंटर। ये एक्सट्रीम लेवल गलत हो जाता है हर चीज का, एंड कट्टरता तो हर चीज में गलत है। पॉलिटिशियन से ही सीख लो, बाहर बाहर दिखाने के लिए लड़ते हैं, अंदर से चोर चोर मौसेरे भाई। एंड वन मोर थिंग, भक्त सारे हैं, बस भगवान अलग अलग है। देखो लेफ्ट और राइट इज जस्ट अ टाइप, बट पता है स्टार्ट कहाँ से होता है, ये एक्सट्रीम लेवल पे कैसे पहुंचता है? बचपन में हम इन सभी चीजों से अनजान होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड जैसे जैसे इवेंट्स हमारे सामने होते जाते हैं हमारी थिंकिंग वैसे ही डेवलप हो जाती है, और फिर हमें पता चलता है कि ये दुनिया उतनी भी प्यारी नहीं है जितने प्यारे हम। अलग अलग टाइप के लोग हैं, एंड लोग बुरे नहीं होते यार, उनकी थिंकिंग वैसे ही डेवलप हो चुकी होती है जैसे जैसे उन्होंने इवेंट्स देखे होते हैं। ये जो नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है ना, ये भी उसी का एक दूसरा पहलू है। एंड आज का टाइम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एल्गोरिथम का, जो भी चीज आप सर्च करते हो उससे रिलेटेड चीजें आपको दिखना शुरू हो जाती है। तो एक टीनेजर जो बाहर की दुनिया से बेखबर है, उसको जब पहली बार इन डिस्टर्बिंग चीजों के बारे में पता चलता है तो उसको शॉक लगता है, एंड हर्ट होता है, एंड एक एग्रेशन आता है, एंड उसी चीज का फायदा उठाती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज। वरना तुम्हें क्या लेना देना इस गंदी पॉलिटिक्स से यार, तुम्हें तो पढ़ लिख के IAS YS बनना है, तुम्हें चिन्होने थोड़ी काट रहे हैं। इनका फंडा क्लियर है कि झूठ को इतनी बार बोलो
कि वो सच लगना शुरू हो जाए, एंड डेली एक हेट का इंजेक्शन लगाओ कि उसे दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई ना दे। एंड जब ये चीजें डेवलप हो जाती हैं, फिर आती है कट्टरता, और बस फिर तुम गधे घोड़ों की तरह आंखों पे वो पट्टा सा लगाकर एक डायरेक्शन में चलते रहते हो टिल एंड। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है, आंखों पर से पट्टा हटा दो एंड फिर तुम्हें पता चलेगा कि दैट होल पीरियड वाज अ लाइ। एंड दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है यार जितना ये लोग दिखाते हैं। अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में, बट उनसे मिलो तो सही, तुम तो इन हेट वालों के साथ ही अटके हुए हो। तो एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं एंड हेट को साइड में रखते हैं, टुगेदर एज अ नेशन ग्रो करते हैं एंड इंडिया को सुपर पावर बनाते हैं। जय हिंद।